बिसम मेरे पाकिस्तानियों कल से जो सिचुएशन बनता जा रहा है कल सुबह से मैं ये चाहता था कि मैं आपको आ, इतमाद में लूँ इस चीज़ के देखें हमने पलवामा के बाद हिंदुस्तान को पूरी ऑफ़र की कि किसी किस्म की वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं हम उसके लिए तैयार हैं पुलवामा में उनकी कैजुलटीज़ हुई और मुझे पता है कि लोगों को उनके लवाए की इनको कैसी तकलीफ पहुंची होगी क्योंकि यहाँ दस साल से कुछ सत्तर हज़ार कैजुलटीज़ हुई हैं और मैं दस साल से कितने हस्पतालों में गया हूँ और जिधर मैंने लोगों को देखा है बम ब्लास्ट विक्टिम्स जिनके बाजू नहीं हैं टांगे नहीं हैं चल नहीं सकते आंखें नहीं हैं इससे मुझे पता है कि एक तो जो जो इस दुनिया से चले गए और दूसरा जो कि इंजर्ड हुए उनके ऊपर और उनके घर वालों पे क्या गुजर रही है इसलिए हमने सीधा सीधा हिंदुस्तान को ऑफ़र किया कि किसी तरह की भी आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं अगर उसमें कोई भी पाकिस्तानी मुलविस है तो पाकिस्तान पूरी तरह तावन करने के लिए आपसे तैयार है हमने ये इसलिए कहा कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल की जाए ए, कहीं भी कहीं भी दुनिया में बाहर दहशतगर्दी आ, करने पे और ना ही बाहर से कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करे तो इसलिए इस तो कोई डिस्प्यूट थी नहीं हम तो जब तैयार थे हम जब पूरी तरह तावन करने के लिए तैयार थे तो मुझे मुझे ये खदशा था कि उसके बावजूद हिंदुस्तान ने कोई एक्शन लेना और उस इसीलिए मैंने उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी होगी जब आप एक्शन लेंगे हमारी मजबूरी होगी रिस्पॉन्ड करना क्योंकि कोई भी सॉवरन मुल्क ये किसी मुल्क को इजाज़त ही देता कि वो उसके मुल्क के अंदर कार्रवाई करे और ख़ुद ही फैसला कर ले कि वो उसने जुर्म किया जज जूरी और एक्सिक्यूशन खुद ही बन जाए और मुझे खदशा इसलिए था कि हिंदुस्तान के इलेक्शन हैं और मुझे लग रहा था कि उसकी वजह से कोई एक्शन लिया जाएगा लिहाजा मैंने हिंदुस्तान को कहा कि हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी तो जब कल सुबह को जो एक्शन लिया गया सुबह हमारी आ, बात हुई आर्मी चीफ की एयर चीफ की और मेरी और हमने इसलिए एक्शन नहीं लिया सुबह क्योंकि हमें पूरी तरह पता नहीं था कि किस तरह का डैमेज हुआ है पाकिस्तान में वो और जब तक वो हमें पता ना चलता तो ये भी बड़ा इस्पॉन्सिबल होना था पाकिस्तान से कि अगर हम एक्शन ले लेते और हिंदुस्तान की कैजुलटीज़ कर देते जब हमारी कोई कैजुलटी नहीं हुई थी तो लिहाजा हमने इंतज़ार की और आज हमने एक्शन लिया हमारा पहले से प्लान था कि कोई कोलेट्रल डैमेज ना हो कोई कैजटीज़ ना हो सिर्फ हम ये बताएं हिंदुस्तान को कि हमारे में कैपेबिलिटी है कि अगर आप हमारी आ, मुल्क में आ सकते हैं तो हम भी आपके मुल्क में जाके कार्रवाई कर सकते हैं सिर्फ इसका यह मकसद था दो हिंदुस्तान के मिग्स ने आ, पाकिस्तान की रिटेलिएशन में बॉर्डर क्रॉस किया उनको शूट डाउन किया गया और मैं ये भी आज कहना चाहता हूँ कि पायलट्स हमारे साथ हैं अब मसला ये है कि अब हम इधर से किधर जाते हैं ये बहुत ज़रूरी है मैं अब हिंदुस्तान से मुखातिब हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हम थोड़ी सी अकल और हमत इस्तेमाल करें जितनी भी दुनिया में जंगें हुई हैं बड़ी बड़ी सारी जंगों में मिसकैलकुलेशन हुई है किसी ने भी ये नहीं सोचा था जो जंग शुरू कर रहे थे कि वो जंग किधर जाएंगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर महीनों में ख़त्म होनी थी वो छः साल लग गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा वक्त आया हिटलर आ, ने सोचा कि मैं रूस को फतह कर लूँ उसने यही नहीं सोचा था कि रूस की सर्दियों तक शायद डिले हो जाए और उसकी तबाही हुई वहाँ उसी तरह वॉर ऑन टेरर में क्या अमेरिका ने सोचा था कि 17 साल तक वो अफगानिस्तान में फंसे रहेंगे वेटनैम वॉर क्या सोचा था अमेरिका ने कि वो वेटनाम और इतनी दूर जाएगी इसलिए ये दुनिया की तारीख हमें बताती है कि जंगे जंगों में मिस कैलकुलेशन होती है मेरा सवाल ये है हिंदुस्तान हुकूमत से कि क्या जो हथियार आपके पास हैं और हमारे पास हैं क्या हम मिस कैलकुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं क्या हमें इस वक्त सोचना नहीं चाहिए कि ये अगर यहाँ से एस्केलेट होती है तो ये किधर जाएगी ना मेरे कंट्रोल में होगी ना नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में होगी इसलिए मैं फिर से आपको दावत देता हूं कि जब हम तैयार बैठे हैं हमने आपको कहा कि जो आपकी पलवामा की जो ट्रेजेडी हुई उसके जो आपको जो दुख पहुंचा है किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर हम तैयार हैं लेकिन मैं फिर से आपको कहूंगा कि इस वक्त बेटर सेंस शुड प्रवेल हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल कर